हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज बात करेंगे कि अगर आप एक नया एसी खरीदना चाहते हैं तो कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिसकी वजह से आप अपने घर पर एक बेहतर एसी लाएंगे जो कि आपको गर्मी में ठंडक भी पहुंचाएगा और आपके एनर्जी बिल्स पर भी सेव करेगा। तो दोस्तों इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को फटाफट कर दीजिए सब्सक्राइब, जिसका नाम है सही जवाब। नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि हमारे नए वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात तो आप ये पहले डिसाइड कर लीजिए कि कौन से कंपनी का आपको एसी खरीदना है, क्योंकि बाजार में अभी कई नई नई कंपनियां आ रही है। तो आप किसी नई कंपनी को चांस देना चाहते हैं जो कि आपको एक कम बजट में अच्छा एसी देने का प्रॉमिस करते हैं, या आप कोई ऐसी कंपनी का एसी खरीदना चाहते हैं जो कि मार्केट में कई सालों से है, भले ही उनका प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगा है लेकिन ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो ये आपको सबसे पहले वहां पर डिसाइड करना पड़ेगा आपका बजट क्या है, क्या आप एक नई कंपनी को चांस देना चाहेंगे या आप एक पुरानी ट्राइड एंड टेस्टेड कंपनी का प्रोडक्ट लेना चाहेंगे। ये पहले आप डिसाइड कर लीजिए। दूसरी बात, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप एसी किसी दुकान में जाकर खरीदना चाहते हैं या ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऑनलाइन आपको जो है वो ज्यादा अच्छे ऑफर्स मिल सकते हैं, लेकिन दुकान से लेने का एक अपना फायदा है। तो ऑनलाइन भी लोग जो है वो वारंटी ऑफर करते हैं, साथ ही साथ इंस्टॉलेशन भी ऑफर करते हैं, लेकिन अगर आप दुकान से एसी खरीदते हैं तो वहां के बंदे एक तो आपको उसी दिन में डिलीवरी भी दे सकते हैं, वहां पर इंस्टॉलेशन हो सकता है, और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप डायरेक्टली वो दुकान में जाकर उसे पूछ सकते हैं कि भैया तुमने कहीं मुझे फॉल्टी पीस तो नहीं दिया है। वो आपको थोड़ा सा जो आपका फायदा है वो ऑनलाइन में लैक होता हुआ नजर आता है, क्योंकि पता नहीं आपका एसी कहां से आ रहा है, राजस्थान से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है आप तक, तो वो आपको पता नहीं होता है। आपके पास सिर्फ उनके नंबर होते हैं, आप उनको सिर्फ फोन के ऊपर ही बात कर सकते हैं, बजाय इसके अगर आप दुकान से लेंगे तो आप उनसे फेस टू फेस बात कर सकते हैं, यही फर्क है। अगली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है आपकी रूम का साइज। तो अगर आपके पास एक बड़ी रूम है जिसको आपको कूल करना है तो आपको कम से कम 2 टन 1.5 टन का तो एसी लगेगा। आप वहां पर अगर 1 टन का एसी लगाएंगे तो वो आपको बेहतर तरीके से कूलिंग नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से आपको उस एसी को कंटिन्यूअसली चालू रखना पड़ेगा और बहुत ज्यादा हाई कूलिंग पे चलाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका जो एनर्जी बिल है वो बहुत ज्यादा आ सकता है, बिजली का बिल ज्यादा आ सकता है, क्योंकि जो छोटे कैपेसिटी का वो एसी है तो उसको रूम को कूल करने के लिए कंटिन्यूअसली चालू रहना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली मेहनत करनी पड़ेगी। बजाय इसके अगर रूम साइज के मुताबिक बड़ा एसी लिया जाए तो वो एसी आपको कम समय में ठंडक पहुंचाएगा, जिसकी वजह से एसी को बार बार ज्यादा कूलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एसी जो है वो जरूरत नहीं हो तो अपने आप ऑफ हो सकता है, जब बाद में फिर से जरूरत पड़ेगी तो ऑन हो सकता है। इसकी वजह से आपका एनर्जी का जो पूरा बिल है वो एक चेक में रहेगा, आपकी बिजली की खपत कम होगी। वहीं पर अगर आपकी रूम बहुत ज्यादा छोटी है और आपने बहुत ज्यादा कैपेसिटी का एसी लगा दिया है तो भी आपके लिए वो ज्यादा मैं कहूंगा कि एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि छोटी रूम को तो वो बेशक बहुत जल्दी ठंडा कर देगा, लेकिन इसकी वजह से बहुत जल्दी ठंडा होने की वजह से वो एसी ऑफ भी जल्दी हो जाएगा, लेकिन छोटे रूम होने की वजह से वहां पर गर्मी भी जल्दी से बढ़ेगी, इसकी वजह से वो ऑन भी ज्यादा बार होगा, तो ये ऑन ऑफ करते करते आपका बिजली का बिल जो है वो ज्यादा बढ़ सकता है। तो मैं कहूंगा कि एक आइडियल साइज का एसी आप लें जिसकी कूलिंग कैपेसिटी आपके कमरे के मुताबिक हो। एक बड़ा कमरा है, आप बेशक 1.5 टन 2 टन उससे भी ज्यादा के आते हैं उसके ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका एक छोटा सा ऑफिस है, एक छोटी सी केबिन है, उसमें 1 टन का एसी भी बहुत हो गया। दोस्तों अगली चीज है इंस्टॉलेशन। तो अगर आप एक स्प्लिट एसी ले रहे हैं तो उसका इंस्टॉलेशन एक बहुत ही क्रूशियल चीज है, जो कि आपकी एसी की लाइफ के ऊपर भी बहुत ज्यादा असर डाल सकता है। उसका जो आउटडोर यूनिट है वो ऐसी जगह पर प्लेस करना पड़ता है जहां पर वो अच्छी तरीके से हवा अंदर खींच पाए और बाहर भी छोड़ पाए। तो कहीं अगर बहुत क्लस्टर जगह में आप उसको लगा देंगे तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाएगा, ना ही वो हवा खींच पाएगा और ना ही बाहर छोड़ पाएगा, तो इसकी वजह से आपके एसी का जो लाइफ है वो घट सकता है। तो वो इंस्टॉलेशन
अच्छे और प्रोफेशनल लोगों से ही करवाना पड़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है स्प्लिट एसी में दो तरीके के यूनिट्स होते हैं, एक आपका इंडोर यूनिट होता है जो आपके घर के अंदर लगता है, ऑफिस के अंदर लगता है, और एक आउटडोर यूनिट होता है जिसे ऐसे एल शेप की बार लगाकर उसके ऊपर फिट करना होता है। तो बेहतर यही होगा कि आप इसके लिए प्रोफेशनल लोग वहां पर बुला लें, क्योंकि दीवार के अंदर ड्रिल वेल करने की जरूरत पड़ती है, सारी जो एनर्जी की सप्लाई है उसको भी देखना पड़ता है, सारा वायरिंग अंदर से बाहर तक और बाहर से अंदर तक करना पड़ता है आपको, तो ये प्रोफेशनल से ही करवाना पड़ेगा आपको। अगली चीज जो एसी के मामले में बहुत ज्यादा जरूरी है वो है नॉइस कंट्रोल। तो नॉइस कंट्रोल आपके इंडोर यूनिट के अंदर भी होना चाहिए और आउटडोर यूनिट में भी होना चाहिए, यानी कि आपके दोनों ही यूनिट जो है वो ज्यादा आवाज नहीं करने चाहिए। आइडियली आपका जो आउटडोर यूनिट है वो 50 डेसिबल से ज्यादा उसने आवाज नहीं करना चाहिए। अगर उससे ज्यादा आवाज हो तो हो सकता है कि आपके पड़ोसियों की नींद भी उससे हराम हो सकती है। तो इसकी वजह से आपको ये देखना है कि आपका आउटडोर यूनिट जो है वो ज्यादा आवाज ना करे, साथ ही साथ जो इंडोर यूनिट है वो भी ज्यादा आवाज ना करे, ताकि आप पीसफुली सो सके। अगली सबसे इंपॉर्टेंट बात एनर्जी एफिशिएंसी, क्योंकि आप जानते ही हैं कि एसी बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करता है, एक बहुत ही ज्यादा एनर्जी खपत करने वाला ये डिवाइस है, तो इसको जितने ज्यादा एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग होगा उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। हो सकता है कि 3 स्टार रेटिंग वाला एसी एक 5 स्टार रेटिंग वाले एसी से ज्यादा सस्ता हो, लेकिन 5 स्टार रेटिंग वाला एसी जो है उसके लिए अगर आप 5-10 हज़ार ज्यादा देते हैं तो आपको वो एनर्जी बिल्स में बहुत बढ़िया तरीके से सेविंग्स देगा। तो ये जो 5-10 हज़ार आपने ज्यादा उसके लिए पे करे हैं तो वो आप एसी चला देने के 2-3 साल में ही कवर कर लेंगे, क्योंकि आपका एनर्जी का बिल कम आएगा, आपकी एनर्जी की बचत होगी। अगली एक बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी अब एसी के अंदर आ चुकी है, वो है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। तो होता ये था कि पहले जमाने के जो एसी होते थे वो एक सर्टन सम अगर टेम्परेचर रूम के अंदर मेंटेन हो जाए तो उसके बाद अपने आप ऑफ हो जाते थे, और जैसे ही फिर से टेम्परेचर बढ़ने लगे, जब कूलिंग की जरूरत फिर से पड़ती थी तब ऑन होते थे। लेकिन होता ये था कि ये एसी पूरी तरीके से ऑफ हो जाते थे तो फिर से उस टेम्परेचर तक जाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी का खपत होता था, वहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती थी, जिसकी वजह से बिल जो है वो ज्यादा आता था बार बार ऑन ऑफ होने की वजह से। तो इन्वर्टर क्या करता है कि इन्वर्टर आपके एसी को बैकग्राउंड में थोड़ा थोड़ा चलाता रहता है, जिसकी वजह से आपके रूम के अंदर का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा बेहतर तरीके से वहां पर मेंटेन होता है, जिसकी वजह से आपका जो एसी है वो बार बार ऑन ऑफ नहीं होता है, एक कम कैपेसिटी के ऊपर वो चलता ही रहता है, जिसकी वजह से एनर्जी की बहुत ज्यादा सेविंग होती है और अल्टीमेटली आपका एनर्जी का बिल, बिजली का बिल कम आता है। दोस्तों अगली चीज है एयर क्वालिटी। तो एयर क्वालिटी से मेरा मतलब ये है कि कितनी ज्यादा फ्रेश एयर वो आपको मुहैया करा सकता है, कितने कम समय में वो कूल कर सकता है, और कितना आपके रूम के अंदर जो पूरा तापमान है या एटमॉस्फेयर है उसको वो कितना ज्यादा डीह्यूमिडिफाई कर सकता है, तो ये आपको देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। साथ ही साथ एसी के अंदर लगे हुए फिल्टर्स को भी आपको देखना पड़ेगा कि वो क्लीन करने के लिए आसान है या नहीं, वो जो फिल्टर लगे हैं वो कारगर है या नहीं, इसके बारे में भी आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों ये जो फिल्टर्स होते हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं, यानी कि हवा के अंदर जो भी डस्ट है उसको वो रिमूव कर लेता है, फिल्टर आउट कर देता है, साथ ही साथ जो धुआं है उसको भी फिल्टर आउट कर देता है और आपको एक शुद्ध हवा देने की कोशिश करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपके घर में एसी लगा है तो उसके एयर फिल्टर्स अच्छे होने चाहिए, जिसकी वजह से आपके घर के अंदर एसी चलाने के बाद एयर क्वालिटी अच्छी हो। अगली चीज है ब्लोअर का साइज। तो आपका जो इंडोर यूनिट होता है उसके अंदर भी ब्लोअर्स लगे हुए होते हैं, तो जो कंडेंस हुई हवा है यानी कि जो ठंडी हवा है वो रूम में फैलाने के लिए ये ब्लोअर काम करते हैं। तो ये ब्लोअर अगर बहुत ज्यादा पावरफुल है तो आपकी रूम जल्दी से ठंडी होगी, अगर वो ब्लोअर उतने ज्यादा पावरफुल नहीं है तो भले ही एसी के ऊपर आपने 16 डिग्रीज कर रखा है लेकिन आपकी रूम को ठंडा होने के लिए बहुत ज्यादा समय लगेगा, जिसकी वजह से एसी को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो ये ब्लोअर्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो फैन स्पीड जिसे हम कहते हैं ना, तो वो फैन स्पीड भी अच्छा खासा होना चाहिए। अगर आप उसको हाईएस्ट लेवल पर लगा दे तो वो जो फैन है वो आपके रूम को तकरीबन 10 से 15 मिनट में पूरी तरीके से ठंडा करना चाहिए उसने।
तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। अगली चीज है कंडेंसर के कॉइल्स। तो जनरली कंडेंसर कॉइल्स जो है वो कॉपर की ही लगाई जाती है, क्योंकि कॉपर किसी भी तरीके के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसकी वजह से कॉपर का वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कुछ और मटेरियल्स भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कॉपर का फायदा यह है कि इसका लाइफ ज्यादा होता है और इसके ऊपर जंग नहीं लगता है। तो इसकी वजह से आपका जो कंडेंसर है वो भी अगर कॉपर का है तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इनकी लाइफ ज्यादा अच्छी होती है और इनके अंदर ज्यादा जल्दी से रस्ट नहीं पकड़ता है। तो ओवरऑल आपका एसी जो है वो सालों साल तक अच्छी तरीके से चल पाएगा। अगली चीज है फायर सेफ्टी। तो जाहिर सी बात है कि एसी के अंदर बहुत ज्यादा वोल्टेज होता है, तो अगर कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए तो आपकी एसी यूनिट में आग नहीं लगनी चाहिए। तो जनरली आपके जो एसी के आउटडोर यूनिट होते हैं और इंडोर यूनिट होते हैं वो फायर के मामले में P2 लेवल के प्रोटेक्टेड होते हैं। तो P2 ये उनका एक मेजर करने का तरीका है, तो उसके तहत अगर उसमें थोड़ा बहुत स्पार्क भी होता है तो आसानी से आग नहीं लगती है, और अगर लग भी जाती है तो जल्दी से फैलती नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर इस तरीके के पेंट लगाए जाते हैं जिससे कि आग ज्यादा फैले ना, और अगर लगी है तो जल्दी से बुझ जाए। तो ये भी आपको देखना है कि आपके एसी में फायर का जो प्रोटेक्शन है वो किस ग्रेड का लगा हुआ है। अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपकी जो एसी के फिल्टर है वो क्या क्लीन करने के लिए आसान है, इसके बारे में आपको ध्यान देना है, क्योंकि एसी के फिल्टर आपको क्लीन करने ही पड़ते हैं। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है आपके एसी के अंदर। अगर वो क्लीन नहीं है तो उसके ऊपर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बढ़ सकते हैं, उसमें फंगस हो सकती है, जिसकी वजह से एक बहुत ही खराब स्मेल वाली हवा जो है वो आपके घर के अंदर आ सकती है, इससे इन्फेक्शन फैल सकता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एयर फिल्टर्स कहाँ पर सिचुएटेड है और उनको निकालना कितना ज़्यादा आसान है, साथ ही साथ वो कौन से मटेरियल से बने हैं, क्या उनको धोना बिल्कुल आसान है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ एसी के मामले में एयर स्विंग है। तो एयर स्विंग जो है वो एक तो इस तरीके से भी होता है, ऊपर और नीचे और दाएं बाएं भी होता है। तो कई जो बजट वाले एसी हैं वो ऐसे होते हैं कि उसमें ऊपर नीचे वाला स्विंग होता है लेकिन दाएं बाएं वाला स्विंग नहीं होता है। तो इसका कोई फायदा ही नहीं है, आप एक ही तरफ वो मोड़ के रखेंगे तो एक ही तरफ हवा जाएगी। तो ये अगर दोनों ही तरीके की स्विंग ऑटोमेटिक हो तो ज्यादा बेहतर तरीके से आपके कमरे में हवा फैलेगी, ज्यादा बेहतर तरीके से आपका कमरा जो है वो ठंडा हो सकेगा। तो ये एयर स्विंग का जो मामला है, इसके मामले में आप कॉम्प्रोमाइज ना करें। अगर आप सस्ता भी एसी ले रहे हैं तो आप उनको कहें कि ड्यूअल वे अगर एयर स्विंग है तो ही हमें एसी दिखाएं, वरना ना दिखाएं। अगली चीज है दोस्तों वारंटी। तो कई एसी ऐसे होते हैं जिनके कंप्रेसर के ऊपर 10 साल की वारंटी, 15 साल की वारंटी, 20 साल की वारंटी तक दे देते हैं। तो ये तो एक बात हुई, वो तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आपके एसी के अंदर। लेकिन इसके अलावा जो आपके कंडेंसर के कॉइल्स होते हैं, बाकी का इंडोर यूनिट के जो ब्लोअर्स होते हैं, उसके ऊपर भी अगर एक बेहतर वारंटी हो तो आप ज्यादा सेफ रहेंगे। अगर कुछ होता है उस एसी में तो कंपनी आपको वो फ्री में ठीक करके देगी या रिप्लेस करके देगी। तो अगर आपके पास ओवरऑल वारंटी जो है वो 5 साल की है, 6 साल की है, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कंडेंसर की वारंटी तो हर एक कंपनी देती है, 10 साल की तो कम से कम होनी ही चाहिए, लेकिन बाकी की चीजों के ऊपर भी वारंटी जितनी ज्यादा हो उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। अगली चीज होती है टेक्नोलॉजी। तो आजकल के जमाने में नए नए टेक्नोलॉजीज के एसी आ रहे हैं, जैसे कि स्लीप फंक्शन उसके अंदर होता है, तो एक ही टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करके रखता है, और अगर बहुत ज्यादा ठंडी हो रही है तो वो उसे कम करता है ठंडक को, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है तो ठंडक को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपको रात में बार बार उठकर उसका जो टेम्परेचर है उसको सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगली चीज, कई सारे ऐसे एसी आ रहे हैं जिनके अंदर इनबिल्ट एयर प्यूरीफायर भी आ रहा है। तो एयर फिल्टर एक अलग बात होती है और एयर प्यूरीफायर एक अलग बात होती है। एयर प्यूरीफायर में जो कि बहुत माइक्रो जो होते हैं पार्टिकल्स, उसको भी फिल्टर आउट किया जाता है। साथ ही साथ एयर प्यूरीफायर जो है वो आपको हेल्दी एयर देने का वादा करते हैं, यानी कि उस एसी के थ्रू आई हुई जो हवा है वो आपके घर के अंदर की पूरी हवा को जो है वो ज्यादा से ज्यादा साफ सुथरा रखेगी, पोल्यूशन को अंदर नहीं आने देगी, किसी भी तरीके के इन्फेक्शन को अंदर नहीं आने देगी, बैक्टीरियाज को किल कर देगी। तो ऐसी अगर टेक्नोलॉजी आपको मिल रही है तो भैया सोने पे सुहागा है, आपको ज्यादा उसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
कि बाहर की हवा कैसी है, क्या है, आप एक सेफ हवा के अंदर सांस ले पाएंगे। अगली चीज, कई ऐसे आजकल ऐसे आते हैं जो कि सेल्फ क्लीन फंक्शन के साथ आते हैं। तो मॉनसून में होता यह है कि आपका जो कंडेंसर होता है उसके ऊपर मॉइस्चर पकड़ के उसमें फंगस जैसी चीजें डेवलप होना बहुत आम बात है। तो कई ऐसे ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक बटन दबाने पर वो अपने आप को क्लीन कर देते हैं, जिसकी वजह से एसी की कॉयल, कंडेंसर और बाकी की जो चीजें हैं उनके ऊपर किसी भी तरीके की फंगस या ऐसी चीजें नहीं होती हैं और एसी आपका पूरी तरीके से क्लीन रहता है। तो दोस्तों, यही कुछ चीजें थी जो आपको एक एसी खरीदते वक्त जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो काम की लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।